अब तक आपने देखा? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था शक्ति। कह दो हाँ, चले जाएंगे हम। हमारा जवाब ना है। इतने में ही हार मान ली तुमने? बेटा, इस बात का तोड़ है हमारे पास। अब तुमको वो सब कुछ करना है जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए करता है। अब देखिए आगे। अगर एक मिनट के बाद बोलती ना आई लव यू तो सीधे स्वर्ग के गेट पे आना पड़ता आई लव यू बोलने के लिए। की बातें कर रहे हो शक्ति? हाथ दो। कोशिश करो, आराम से ऊपर आओ। हाथ पकड़ो मारा। अगर पहले मान जाती तो जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ती ना हमको। अभी भी मजाक समझ रहा है तुमको? तुमको हमको डांटना? डांटे हो तुम सच में? ऊपर आओ। देखो अब जैसे भी है ना तुम्हारे हैं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। दो कौड़ी की लड़की के लिए खाई में कूद गया तुम? उसके लिए नहीं माँ, आपके लिए। आपका भरोसा दोबारा तोड़ नहीं सकते थे हम। अरे लेकिन उसको यकीन दिलाने के और भी तो तरीके थे। अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? कहे ना माँ, सब आपके लिए। और ये जान भी तो आप ही की दी हुई है ना। अगर आप नहीं पहुंचती तो हम भी अपने माँ बाप की तरह उसी जगह पे दम तोड़ देते। हम एक और थप्पड़ ना उल्टे हाथ मारेंगे अगर अपने आप को अनाथ कहा तो। अनाथ नहीं हो तुम और ना कभी थे। तुम अनाथ तब होगे जब हमको मौत आएगी। हमारे आपके दुश्मन वही मरेगी। हम एक लड़की के लिए अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। बस एक बार उस लड़की के फेरे हो जाए तुम बच्चों के साथ, फिर नहीं उस शादी की अग्नि में उसकी जिंदगी जलाकर सुहा करती तो हम अपने आप को मार ठकुराइन बुलवाना बंद करवा देंगे। माँ ठकुराइन? आप कमाल करते हैं आप। माँ ठकुराइन हम बाकी बेगूसराय वालों के लिए,
आप तो हमको समझन जी के। पंडित जी आइए आइए आइए, अपना ही घर है। ये सब क्या है? शगुन है। कैसा शगुन? लगता है बच्चों ने आपको कुछ बताया ही नहीं। चलिए ये सब काम भी हम ही कर देते हैं। लेकिन पहले आप बैठ जाइए, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आपको बहुत जोर से झटका लगने वाला है। हम आपकी अनन्या का हाथ अपने बेटे शक्ति के लिए मांगे। लड़की है, आपको नहीं बताई होगी कि अनन्या और शक्ति एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। अच्छा आप अनन्या से ही सुन लीजिए। अनन्या मुँह छुप छुप के क्या देख रही हो? आओ और अपने बाबूजी को बताओ। हम शक्ति को पसंद करते हैं। सुन लिया आपने? अब तो आपको कोई एतराज नहीं है। लेकिन माँ ठकुराई, प्यार अपनी जगह है और हम उस घर में कैसे शादी कर सकते हैं जहां हमारे बाबा सर पे ज्योति रखे घूमे। अरे छोटी क्या टॉक कर रही है? वो सब ओल्ड बातें थी, न्यू बात ये है कि वो सब लोग सॉरी बोल चुके हैं ना, लेट गो करना। नहीं दामाद जी, अनन्या ठीक कह रही है। अगर मन में किसी बात का कील हो ना तो वहां नए रिश्ते की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आज ना हमको शक्ति की पसंद पर नाज हो रहा है। बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दे। लेकिन हम ना आज सारी बात खत्म करने आए। उस दिन आपका अपमान हो तो आज हम वो बात अपने साथ करते हैं। ये जूती आपके सर रखवाए थे ना, आज यह जूते अपने सर। नहीं नहीं माता कुरान, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमारा इरादा ये नहीं था। हम किसी के माता पिता को ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकते। और आपको भी नहीं माटा कुराएं। ये पहन लीजिए माटा कुराएं। एक ही सर पे तुमको माफ करेंगे कि तुम हमको माँ ठकुराई नहीं माँ कहकर बुलाओ।
माँ। रिश्ता पक्का करते हैं ओ पंडित जी, अरे कितना टाइम लगाओगे, जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालिए। हाँ ठोकराई, तारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही दिशा में है। कल का दिन शुभ है सगाई के लिए और परसों शादी के लिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है, बेटी की शादी है समधन जी, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा तैयारी करने के लिए। आप ना बस हमारी बहू को तैयार करके 16 सिंगार करवा के हवेली ले आइए, बाकी इंतजाम हम देख लेंगे। हेलो, अच्छा समधी जी इजाजत दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटी, बाबा जा रहा हूं मैं। हमारी लाइफ में आने के लिए थैंक यू शक्ति। आज तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया उसके बाद हमें यकीन हो गया कि हमारे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें उसका अफसोस है। अब किसी बात का डर नहीं है हमें, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। झूठ बोलते हो तुम, खूबसूरती हम में नहीं तुम्हारी आंखों में, जिसे हम खूबसूरत लगते हैं। भैया, हेलो। ओ हो छोटी, लगता है तुम ड्रीम देख रही थी और हमने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। आप भी ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। और खुली आंखों से कोई सपने देखता है क्या? जब लव में पड़ते हैं ना तो सपने दिन रात नहीं देखते, खुली आईज से भी ड्रीम देख सकते हैं। वो सब कुछ हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हम खुश हैं। अरे छोटी, हैप्पी तो हम भी बहुत हैं। नंबर वन हैप्पीनेस इसलिए है क्योंकि आज के बाद हम और तुम दोनों एक ही घर में साथ में रहने वाले। और नंबर टू हैप्पी इसलिए है, तुम्हारी भाभी ने हमको ये सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया है। और सिर्फ इनके लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए भी ये ब्रेसलेट लेकर आए ननद जी। होने वाली भाभी, आप भी हमारी खिंचाई करने लग गई। अब क्या करें, ननद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। वैसे छोटी, अगर तुमको तुम्हारा गिफ्ट पसंद ना आए तो हमको दे देना। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट बदलवा कर कुछ दूसरा ले आऊंगा तुम्हारे लिए, राइट? भैया, भाभी हमें प्यार से जो भी देंगे हम उसे कभी नहीं बदलवाएंगे। चल मैं भी फोन रखता हूँ, मुझे अपने 5 ब्रदर इन लॉज को ये ब्रेसलेट दिखाने जाना। समझ सकते के ड्रामे के बाद लगा था वो लौंडिया इसके प्यार के झांसे में आ जाएगी, लेकिन वो लौंडिया उसने माँ के सर पे जूती रखवाई दी थी। गर्व, शांत रहो, वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गुस्सा तो हमें बहुत आ रहा है भैया, पर आदर्श भैया सही कह रहे हैं। करेक्ट है, अगर माँ ऐसा ना करती ना तो अनन्या कभी ट्रस्ट ही ना करती माँ पे, और शादी के लिए कभी मानती ही ना। इसलिए माँ ने जो किया बिल्कुल ठीक किया।
जिस शादी को अनन्या अपनी खुशियों से छोड़ रही है वो रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। बहू नहीं शिकार बन के आएगी उस घर में। पांचों मिलके शिकार करेंगे उसका। माँ के हर अपमान का चुन चुन के बदला लेंगे उससे। हमें शादी के तुरंत बाद कुछ ऐसा करना होगा जो अनन्या ने कभी सोचा भी ना हो। पर गर्व ये करेंगे क्या, सोचा है किसी ने? हम बताते। वो हवलदार की बेटी आदर्शों की बहुत पक्की है। सुहाग की रात पर हम उसके आदर्श तोड़ेंगे उसे सच्चाई बताकर। गोल्ड की सुगंध लाइफ में पहली बार महसूस की है भाई। सोनी तुम रियल सोना हमारे लिए। उस लड़की ने माँ और बेटे के बीच में फूट लाने की कोशिश की। भाई को भाई से लड़ा है। हमारे बेटे हमारा गुरूर है, हमारी ताकत है। और जो हमारी ताकत तोड़ने की कोशिश करेगा ना, ये तो दुनिया जानती है कि वो जिंदा नहीं बच सकता। या तो वो टूटेगा या तो वो पटेगा। और अब पटने की बारी अनन्या। इतनी बिग हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? 5 बिग ब्रदर इन लॉज किधर चले गए? उधर ढूंढते हैं। उसको क्या लगा कि हम अपनी जूती अपने सर पे पछतावे में रख रहे हैं? दिल पिघल गया हमारा? नहीं, हमारा दिल ऐसी लड़की के लिए कभी नहीं पिघल सकता जिसकी वजह से हमारे खानदान ने बेइज्जती देखी हो, जिसकी वजह से हमारे हाथ में हथकड़ी पहनाई गई हो और हमें हवालात में बंद किया गया हो। उसके लिए तो नहीं पिघल सकता। ये सारा दांव तुम्हें मनाने के लिए था अनन्या। सब कुछ किया हमने, अब जीत भी हमारी ही होगी। महाभारत में कुंती ने अनजाने में अपने पांडवों को आदेश दिया, लेकिन हम जो अपने बेटों को आदेश दिए हैं ना, वो उस अनन्या का सजा है। वो अनन्या मिसाल बनेगी बेगूसराय की आने वाली पीढ़ियों की। एक ऐसी दुल्हन जिसके मांग में सिंदूर तो होगा लेकिन वो सुहागर नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके एक नहीं 5 पति हो। क्या हो गया सकती? चेहरा कहाँ उतरा हुआ है तुम्हारा? फिर से तुमको उस लड़की पे तरस आ रहा है? हाँ? नहीं माँ, बार बार जो गलती करते हैं वो गुनहगार होते हैं, और आपके बेटे इतने कमजोर नहीं है। हमको तुमसे यही उम्मीद है। हमको अपनी बेइज्जती का बदला लेना है शक्ति। शक्ति बेटा, इस बाजी का ना तुम हमारा हुक्म का इक्का।
लेकिन अभी तक ये बाजी हम पूरी तरह से जीते नहीं। जब तक उस अनन्या की शादी तुम पांचों से नहीं हो जाती, हमारे इरादों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हमें हर कदम मुंह खोल के रखना है, समझे? जी माँ। अब इस शादी और हमारे मकसद के बीच कोई भी नहीं आ सकता।